हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट मैग्नबेन्स मैं अभिषेक कुमार मैग्नेट मैगनबेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी सी आर एग्जाम्पल बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ यहां पे प्रेजेंट करते हैं और इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो हंड्रेड फ्री एजुकेशन के साथ आपको तैयारी करवा रहा है एन एग्जाम और ओलम्पेड एग्जाम्स के भी सारा बेस्ट कंटेंट वो भी सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स स्टूडेंट्स इस वीडियो को आपके लिए हम लोग कर रहे हैं शूट तो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स आप लोगों का जो चैप्टर नंबर टू है होल नंबर्स एक बहुत प्यारा एक छोटा सा चैप्टर जिसको कंप्लीट बुक से मैंने यहाँ अप किया है और इसी के साथ एनसीआर टी के सोल्यूशन आपको हम यहाँ करेंगे प्रोवाइड तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो का जो टॉपिक है मतलब आपका जो चैप्टर नंबर टू है वो आपको मेरे पीछे दिख रहा है होल नंबर्स है और यहाँ पे होल नंबर्स मैं ऐसा कहूंगा कि एक इतना प्यारा सा टॉपिक जो आपको आने वाले फ्यूचर मतलब सेवंथ क्लास एट्थ क्लास नाइन्थ क्लास में एकदम आपके साथ बंधा हुआ रहेगा मतलब हर जगह इस टर्म का यूज होने वाला है इसलिए यहाँ पे इस क्लास में आपको मतलब सिक्स क्लास के अंदर आपको वर्ड होल नंबर्स को बहुत अच्छे से समझना है तो चलिए यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ होल नंबर्स की तो इससे पहले मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं सिंपल से वर्ड्स लिखे हुए हैं कि जैसा हमें पता है कि वन टू थ्री फोर हम इस तरीके से काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं जैसे आप दो मिनट के लिए इमेजिन करिए कि आपके रूम में बहुत सारे पेन रखे हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि पेन की काउंटिंग करिए या आपके रूम में जहाँ पे आप अभी मुझे सुन रहे हैं जिस भी जगह पे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज रखी हैं एक पूरा बकेट स्ट्रॉबेरी का आपके सामने आया है या जो भी फ्रूट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो मान लीजिए वो नंबर्स ऑफ फ्रूट आपके सामने रखे हैं बनानाज रखे हैं मैंगो रखे हैं और मैं आपसे कि इनको काउंट करिए तो आपकी काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी आप बोलेंगे सर वन टू थ्री फोर यहां से आप अपनी काउंटिंग को करेंगे स्टार्ट तो इसी तरीके से हमें यह समझ आता है कि जब भी हम किसी चीज की काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग हमेशा स्टार्ट होती है वन से तो एज वी नो वी यूज वन टू थ्री फोर वेन वी बिगिन टू काउंट मैथामेटिक मैथमेटिशियंस कॉल द काउंटिंग नंबर्स एज नेचुरल नंबर्स और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स नेचुरली जो मेरे सामने चीज़ दिखती है फिजिकली जिसको मैं देख सकता हूं और जिसको मैं अपनी काउंटिंग में बोल सकता हूं जिसको देख के मैं उसको कोई नंबर दे सकता हूं ऐसी काउंटिंग को हम ऐसी काउंटिंग को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड नेचुरल नंबर्स तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि भाई जब हमारी काउंटिंग वन से स्टार्ट हो मतलब वैन फिजिकली एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाए देख पाएँ और उसको आप काउंट कर पाए इसी चीज़ को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स और यही काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नैचुरल नंबर्स क्लियर है चलिए अब यहाँ पे बात आती है एक सिंपल से टॉपिक की वर्ड है प्रिड्यूसर एंड सक्सेसर प्रीडीसर एंड सक्सेसर वर्ड सक्सेसर में देखो सक्सेस जुड़ा हुआ है तो अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें तो आपको ये टॉपिक देखते ही समझ आ जाएगा वर्ड सक्सेसर का मतलब है सक्सेस आगे बढ़ना ठीक है और प्रीडीसर प्रीडीसर मतलब डिक्रीज यहाँ पे आपको डिक्रीज वर्ड कहीं पे नजर आएगा प्री मतलब पहले वाला ठीक है तो प्री वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें या यहाँ पे डिक्रीज वर्ड अगर आपको दिख रहा हो डिजीज जो दिख रहा है प्री डिजीज लिखा है तो यहाँ पे आपको ये दो शब्द मिलके आपको बताएंगे कि एक पहले वाले नंबर की बात हो रही है और एक आगे वाले नंबर की बात हो रही है अगर आपको मैं कोई नंबर दे दूं जैसे मैं आपको कहूंगा थ्री तो थ्री के आगे वाला नंबर और थ्री के पीछे वाला नंबर तो थ्री कैसे आया जब हम टू के बाद थ्री पे आए और थ्री के बाद क्या आएगा थ्री के बाद आएगा फोर तो यही है वर्ड प्रीडिसर एंड सक्सेसर इतना आसान आपको यही चीज समझ आ जाएगी इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए गिवन एनी नेचुरल नंबर यू कैन एड वन अगर आपको कोई भी नेचुरल नंबर दिया है मैं आपके बोलूं कि आपके सामने एक मैंगो रखा है और उस मैंगो में एक मैंगो और ऐड कर दो तो जब दो मैंगो आपको दिखेंगे तो आप कहेंगे सर यहां पे टू मैंगोज रखे वन एंड टू चीज समझ आ रही है तो यहाँ पे जब एक चीज में मतलब कोई चीज आपको जब फिजिकली दी जाए द नंबर ऑफ आइटम्स जब आपको बहुत सारी चीजें आपको नंबर्स में दे दी जाए और उसमें एक और एड कर दी जाए तो हम कहते हैं यही वर्ड है सक्सेसर तो गिवेन एनी नेचुरल नंबर यू कैन एड वन टू डेट नंबर एंड गेट द नेक्स्ट नंबर और आपको नेक्स्ट नंबर पता चलेगा आपको अगर थ्री दे दिया तो थ्री में अगर आप वन ऐड करेंगे तो कॉमन सी बात है वो फोर हो जाएगा तो इसी को हम कहते हैं सक्सेसर यू गेट दिस सक्सेसर ठीक है तो किसी चीज का भी अगर आपको सक्सेसर हाफ मार्क्स का सवाल या वन मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्कूल एग्जाम में देखने को मिलेगा वर्ड सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाला एक नंबर ठीक है तो अगर मैंने यहाँ पे आपको बोला कि आपके पास सेवन है सेवन का सक्सेसर बताइए तो आप क्या करेंगे सेवन में प्लस वन कर देंगे और जैसे ही आप सेवन में प्लस वन करेंगे तो ये आपको सक्सेसर देगा एट नेक्स्ट आया एट एट का सक्सेसर बताइए तो आप इसमें प्लस वन कर देंगे मैं आपसे कहूंगा नाइन्टी नाइन का सक्सेसर बताइए तो आप इसमें नाइनटी नाइन में प्लस वन कर देंगे आपको इतनी सिंपल सी बात समझ आ रही है कि अगर मुझे सक्सेसर निकालना है तो मैं प्लस वन करूँगा क्लियर है ये चीज द सक्सेसर ऑफ 16 इज 16 प्लस 1 which इज equals टू 17. दैट ऑफ 19 इज 19 प्लस 1 दैट इज 20 एंड सो ऑन और ऐसे ही कहानी चलती है तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आपको समझाई वो थी वर्ड सक्सेसर ठीक है चलिए तो यहाँ पे आपको इस स्लाइड पे दो चीजें सीखने को मिली है एक आपको ये कि नेचुरल नंबर्स किनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं दूसरी चीज यहाँ पे प्रेडिसर वर्ड का मतलब क्या है सक्सेसर वर्ड का मतलब क्या है सक्सेसर को डेप्थ में जाके इस स्लाइड पे आप लोगों ने समझा तो वर्ड सक्सेसर आपने यहां समझ लिया है अब हम बात करेंगे प्रेडिसर की चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पे एक छोटा सा यहाँ पे एक आपको करेक्टर दिखा है और एक करेक्टर आपसे एक सवाल पूछ रहा है सवाल ऐसा है कि डेड्यूसर है जिसका सक्सेसर भी हो सकता है भी हो सकता है अभी तक आपने प्रेडिसर नहीं पढ़ा है उसको पहले समझ लेते हैं तो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अवर स्कूल हम अपने स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं उनकी काउंटिंग कर सकते हैं ठीक है वी कैन ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी हम एक सिटी में कितने लोग हैं उनको काउंट कर सकते हैं वी कैन काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया पूरे भारत में कितने लोग हैं हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं द नंबर ऑफ पीपल इन द होल वर्ल्ड कैन ऑल्सो बी काउंटेड और यहाँ तक कि, कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं हम उस चीज़ की भी काउंटिंग कर सकते हैं वी मे नॉट बी एबल टू काउंट द नंबर ऑफ स्टार लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप रात को बैठ के आसमान की तरफ देखिए और आसमान में कितने तारे हैं उनको काउंट करिए तो ये चीज पॉसिबल नहीं है ठीक है इन द स्काई और द नंबर ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड या तो मैं ऐसा बोलूँ कि एक काम करिए आप एक एक करके अपने बाल को काउंट करना चालू करिए तो आपके सर के ऊपर कितने बाल हैं इसको भी काउंट कर पाना यहाँ पे मुश्किल है मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है ठीक है बट इफ वी आर एबल लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर मान लो ये पॉसिबल होता कि हम काउंट कर लेते तो देअर वुड बी अ नंबर फॉर देम ऑल्सो तो उनके लिए भी कोई नंबर निकल के आता मान लीजिए ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर मैं स्टार्स को काउंट कर पाता या ऐसी कोई काउंटिंग होती मतलब ऐसा कुछ अगर मैं काउंट कर पाता तो नंबर ऑफ टोटल स्टार्स बताने के लिए मैं उसको भी कोई नंबर देता या अगर मेरे हेड के ऊपर कितने हेयर्स हैं अगर इनको मैं काउंट कर पाऊं, तो इसके लिए कुछ नंबर होगा लेकिन वो नंबर बहुत बड़ा होगा ठीक है इट इज़ नाउ परियस दैट देयर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर तो इस स्टेटमेंट से इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये बात समझ आती है कि कोई भी बड़ा नंबर नहीं होता हर नंबर अपने आप में बड़ा है क्या कहने का मतलब है कि हर नंबर अपने आप में बढ़ा है आप जितना काउंटिंग में आगे बढ़ते जाओगे तो ऐसा कोई एक फिक्स नंबर नहीं है जो सबसे लार्जेस्ट नंबर हो ठीक है तो ये चीज यहाँ पे ये बताना चाह रहा है अब ये क्यों बताना चाह रहा है कि ऊपर इसने एक सवाल तुमसे पूछा था सवाल क्या था ड वन हैोथ सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर क्या वन का सक्सेसर और प्रोड्यूसर हो सकता है तो यहाँ पे जवाब होगा कि वन का सक्सेसर तो हो सकता है वन के आगे क्या है ये तो हम बता सकते हैं लेकिन वन का प्रोड्यूसर अगर मैं जाता हूँ वन से अगर मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूँ तो कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं आएगा मतलब नेचुरल नंबर नहीं आएगा ठीक है तो वन कोई भी प्रीड्यूसर एज अ नहीं होता वन में से अगर मैं माइनस वन करूंगा तो जीरो आएगा अब सर माइनस वन क्यों कर रहे हो तो देखो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि सक्सेसर का मतलब होता है जब आप प्लस वन करते हैं तो इस कॉमन सेंस को अगर आप लगाएं तो प्रीडिसर मतलब पीछे वाला प्री मतलब पहले डिक्रीज करना है किसको जो आपका नंबर है उसमें से माइनस वन करना है तो अगर आपको किसी नंबर का प्रिड्यूसर निकालना है तो आपको यहां माइनस वन करना है लेकिन एक काउंटिंग नंबर है अगर मैं काउंटिंग नंबर की बात करूं वन और वन में से अगर माइनस वन कर दूं तो ये बनता है शून्य जीरो एक में से एक गया जीरो और ये जीरो नेचुरल नहीं है क्यों नहीं है जीरो नेचुरल क्यों नहीं है क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कितनी पेंसिल्स हैं आपके टेबल पे या कितने मैंगोज आपके टेबल पे एक बकेट में रखे हैं अगर मैं एज्यूम करने को कहूं तो आप एक काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो वन से स्टार्ट करते हैं तो जब हमारी काउंटिंग वन से स्टार्ट होती है जो चीज़ हमें फ़िजिकली दिख रही है जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ क्योंकि वो वन से स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे ज़ीरो का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा मैं कभी अपनी काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करता तो यहाँ पे हर काउंटिंग नंबर को हम कहते हैं नैचुरल नंबर लेकिन अब जीरो को नेचुरल ना बोलते हुए ज़ीरो को क्या बोलोगे तो ज़ीरो के लिए भी यहाँ पे एक नाम दिया गया क्लियर है वो ही हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझना है तो मेरे ख्याल से आ, मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे साथ साथ बताते जाओ कि आपको ये दो स्लाइड्स मेरी बातें समझ आ रही हैं ठीक है ठेके? पीछे मैंने आपको क्या बताया था तो पीछे जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग नंबर्स को ही आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं वर्ड सक्सेसर का क्या मतलब है वर्ड प्रोड्यूसर का मतलब मैंने अभी बताया फिर उसके बाद मैंने आपको सेकंड स्लाइड पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा है और ये सवाल मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है स्कूल टेस्ट और स्कूल एग्जाम के लिए इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना नोट किया कि नहीं किया ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ यस yes या नो no? ठीक है तो आपको यहाँ पर सक्सेसर और प्रोड्यूसर वन का बताना है ठीक है तो वन का सक्सेसर प्रोड्यूसर क्या है छोटा सा सवाल यहाँ पे एक और बन सकता है क्या वन का प्रोड्यूसर कोई नेचुरल नंबर आएगा तो आपका जवाब होगा नो no. वन का प्रीडिसर एक नेचुरल नहीं होता ठीक है तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं क्लियर है इन द ब्लैंक्स भी इस क्वेश्चन से आ सकता है और इसी चीज को समझाने के लिए यहां एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया था एग्जाम्पल में मैंने आपको यह समझाया कि भाई आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं आप अपने स्कूल के नंबर ऑफ बच्चे काउंट कर सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं आप एक इंडिया में नंबर ऑफ लोग काम कर काउंट कर सकते हैं आप दुनिया में कितने लोग हैं उनको काउंट कर सकते हैं लेकिन आपके हेड के ऊपर कितने हेयर्स हैं या स्काई में कितने स्टार हैं अगर ये काउंट करने को बोलूंगा तो काउंट करना मुश्किल होगा काउंटेबल है लेकिन मुश्किल होगा अब अगर कोई लास्ट स्टार आपको काउंट करना है तो वो लास्ट स्टार के लिए कोई बहुत बड़ी एक वैल्यू होगी लार्जेस्ट नंबर कोई एक नहीं होता हर नंबर अपने आप में लार्जेस्ट है मैं यहाँ पे ये यह सिखाना चाह रहा था ठीक है तो कोई भी लार्जेस्ट नंबर फिक्स नहीं है कोई भी नंबर लार्जेस्ट हो सकता है डिपेंड करता है आप किस चीज का कलेक्शन कर रहे हैं कौन से नंबर्स का आप कलेक्शन कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कलेक्शन कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया काउंट कर रहे हैं या नंबर ऑफ पीपल इन वर्ल्ड काउंट कर रहे हैं ठीक है तो जो भी लास्ट नंबर होगा वो अपने आप में लार्जेस्ट नंबर होगा तो कोई भी लार्जेस्ट नंबर एक नहीं है वो कुछ भी हो सकता है यही लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है दैट देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं है सब नंबर अपने आप में लार्जेस्ट है ठीक है डिपेंड करता है आपने किसका ग्रुप लिया है चलिए आगे समझते हैं चीजों को तो यहां पे आगे लिखा हुआ है कि वी हैव सीन दैट द नंबर वन हैज नो प्रेडिसर यहां पे अभी तक इन दो स्लाइड में हमें यह समझ आ रहा है कि वन का सक्सेसर हो सकता है ठीक है तो वन का सक्सेसर है बट अगर मैं वन के प्रोड्यूसर की बात करूं तो वन का प्रोड्यूसर एक नेचुरल नंबर नहीं है तो वी हैव सीन दैट द नंबर वन हैज नो प्रोड्यूसर इन नेचुरल नंबर्स क्लियरली बोला है कि वन का कोई भी प्रोड्यूसर नेचुरल नहीं है वन का सक्सेसर हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा ठीक है टू द कलेक्शन ऑफ नैचुरल नंबर प्रोड्यूसर जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए मतलब एक ग्रुप है जो नंबर्स का वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव इस ग्रुप के साथ जब वन को भी काउंटिंग में इंक्लूड कर लिया जाए ठीक है उसके प्रोड्यूसर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इस ग्रुप को नेचुरल ना बोलते हुए हम होल नंबर्स बोलते हैं एक बहुत प्यारी चीज यहां पे आपको होल नंबर की डेफिनेशन दी है क्या दी है? द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो सारे नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो जीरो के साथ में जब रिप्रेजेंट किए जाए तो यहां पे कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स आता है अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सवाल ये होगा कि सर अभी आपने बताया कि किसी चीज की काउंटिंग करना काउंटिंग नंबर्स कहलाता है लेकिन इस काउंटिंग नंबर्स के साथ जब जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कहाँ पॉसिबल है तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की भी काउंटिंग होती है कहाँ होती है अगर आपको मैं ज्योमेट्री में बोलूं कि एक लाइन मुझे फाइव सेंटीमीटर की आप ड्रॉ करके दें तो एक लाइन फाइव सेंटीमीटर की अगर मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा तो आप वहां पे देखिएगा आप जब स्केल के ऊपर फाइव सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस समय आप जीरो को इंक्लूड करते हैं मतलब आपका इनिशियल पॉइंट जीरो से काउंटेबल होता है और फाइव तक आता है मेरा कहने का मतलब ये है कि जीरो को भी हम अपनी काउंटिंग में इंक्लूड करते हैं लेकिन उनको नेचुरल ना बोलते हुए हम होल नंबर्स बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पर होल नंबर्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगर मान लीजिए मुझे फाइव सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं जीरो से स्टार्टिंग करूँगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव तक यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जीरो टू फाइव और ये जीरो टू फाइव जैसे मैं ड्रॉ करूंगा मैं कहूंगा ये फाइव सेंटीमीटर की लाइन है जीरो टू वन में वन सेंटीमीटर आया तो जिस इनिशियल पॉइंट से मैं किसी चीज की स्टार्टिंग करता हूं उस इनिशियल पॉइंट को जीरो मान लिया जाता है तो जब काउंटिंग इस तरीके से करते हैं मेजरमेंट के अंदर ज्योमेट्री के अंदर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसी नंबर्स को ग्रुप ऑफ होल नंबर्स बोला जाता है क्लियर है तो होल नंबर कब बोलना है नेचुरल नंबर्स कब बोलना है ये क्लियर होना चाहिए नेचुरल नंबर्स तब बोलने जब वन से काउंटिंग स्टार्ट हो होल नंबर्स तब बोलने हैं जब जीरो से काउंटिंग स्टार्ट हो कोई भी हमसे अगर डेफिनेशन पूछेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो आप सिंपल शब्दों में ध्यान से सुनिएगा आप सिंपल शब्दों में जवाब देंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स और कोई हमसे पूछेगा होल नंबर्स क्या होते हैं तो हम उनसे कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड विद देम So तो तो बताइए कि आपको मेरी इतनी छोटी सी बात अच्छी लगी समझ आया होल नंबर्स की डेफिनेशन समझ आई अब इस चैप्टर में क्या करना है तो वो हम आगे मूव कर रहे हैं आपको चीजें और अच्छे से समझ आएंगी यहां पर देखिएगा कि नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का है मतलब ये जो जो फोर्थ फोर्थ स्टाइल आपके सामने स्लाइड है यहां पे मैं नंबर लाइन समझा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन क्योंकि अगर आपने क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो सेवेंथ एट क्लास में आपको इश्यू नहीं आने वाला क्योंकि हर क्लास में नंबर लाइन आपके सब्जेक्ट में है क्लियर है तो नंबर लाइन मतलब एक लाइन जिसके ऊपर नंबर होते हैं वो नंबर लाइन सिंपल वर्ड से ही समझ आ रहा है नंबर लाइन ठीक है अ लाइन विच हैज नंबर्स ये चीज से समझ हमें आ रहा है एकदम क्लियर है तो ड्रॉ अ लाइन ये कह रहा है एक लाइन ड्रॉ करिए मार्क अ पॉइंट ऑन इट और उस लाइन के ऊपर कुछ मार्किंग करिए ठीक है कुछ पॉइंट मार्क करिए तो आप देख रहे हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ की उस लाइन के ऊपर मैंने कुछ मार्किंग की है ठीक है लेबल इट जीरो और सबसे पहले पॉइंट को आप जीरो लेबल लेबल कर कर दीजिए, दीजिए, मतलब पे जीरो मार्किंग दे दीजिए। मार्क अ सेकेंड पॉइंट टू द राइट ऑफ जीरो अब आपको जीरो के आगे आना है तो जीरो का सक्सेसर देखना है तो जीरो का सक्सेसर क्या होगा अभी हमने समझा था कि जीरो का सक्सेसर मतलब जब भी किसी नंबर का सक्सेसर देखना है तो मैं वहां पे प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन करता हुआ जाऊँगा यही चीज यहां पे हो रही है देखना जीरो में अगर मैंने प्लस वन किया तो मेरा नेक्स्ट नंबर वन आएगा फिर वन में अगर मैंने प्लस वन किया तो नेक्स्ट नंबर टू आएगा फिर अगर मैंने टू में प्लस वन किया तो मेरा नेक्स्ट नंबर थ्री आएगा एंड सो ऑन तो इसने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करिए उस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स मार्क करिए पहले पॉइंट को आप जीरो दे दीजिए और जीरो के बाद नेक्स्ट पॉइंट आप कैसे देंगे तो आप उसका सक्सेसर लिखेंगे आप प्लस करेंगे टू नेक्स्ट पॉइंट थ्री नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फोर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फाइव एंड सो ऑन कहानी ऐसे ही चलेगी यह चीज क्लियर है आगे देखिएगा जीरो एंड वन अब ये ऐसा बोल रहा है कि आपने जो दो पॉइंट को मार्किंग की है एक पॉइंट है आपका जीरो और एक पॉइंट है आपका वन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं यूनिट डिस्टेंस इसके ऊपर हाफ मार्क्स का फ्लिंग द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है तो यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है जब हम पहले पॉइंट को जीरो देते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर है वन तो जो डिस्टेंस है जीरो और वन के बीच में इसको हम कहेंगे यूनिट डिस्टेंस ये वन यूनिट ये टू यूनिट ये थ्री यूनिट ये फोर यूनिट ये फाइव यूनिट सिक्स यूनिट सेवन यूनिट एट यूनिट नाइन यूनिट एंड सो ऑन कहानी ऐसे ही आगे चलती जाएगी तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट लेबल्ड एज जीरो एंड वन इज कॉल्ड द यूनिट डिस्टेंस ऑन दिस लाइन मार्क अ पॉइंट टू द राइट ऑफ वन ये कह रहा है अगेन अब वन के राइट right में आप एक पॉइंट और मार्क करिए एंड एट अ यूनिट डिस्टेंस कितनी दूरी पे आप उतनी ही दूरी पे मार्क करिए जितना डिस्टेंस इसके बीच में था ये जो यूनिट डिस्टेंस था इतनी ही दूरी पे दूसरा पॉइंट मार्क करिए इतनी ही यूनिट पे तीसरा पॉइंट मार्क करिए इतनी ही यूनिट पे चौथा पॉइंट मार्क करिए ये ऐसा आपको करने को बोल रहा है ठीक है और उस नेक्स्ट पॉइंट्स को आप आगे सक्सेसर नंबर देते जाइए सक्सेसर ठीक है प्लस वन प्लस वन करते जाइए तो यही चीज अभी हमने समझी भी थी दिस इज अ नंबर लाइन फॉर द होल होल नंबर्स नंबर्स के लिए ये एक नंबर लाइन है जिसके इस एंड पे आपको एरो नहीं दिखेगा बट इस एंड पे एरो दिखेगा जीरो के उधर एरो क्यों नहीं दिख रहा वो एक अलग कहानी है ठीक है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम अपने हायर क्लासेस में जाएंगे यहां पे अभी आपको समझना है कि आपने चीज की स्टार्टिंग की है जीरो से तो सिर्फ आपको अभी दिखाने हैं होल नंबर्स और होल नंबर्स के लिए जो नंबर लाइन है वो एरो हेड के साथ इसलिए आ रही है इस एरो का मतलब ये है कि हम इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी आगे तक ले जा सकते हैं तो ये जब आप यूनिट डिस्टेंस मार्क करते जाएंगे तो इसके ऊपर पॉइंट आते जाएंगे इसके ऊपर नंबर्स आते जाएंगे प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐसे आप लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसी लाइन को हम कहते हैं द नंबर लाइन फॉर होल नंबर्स यहां तक मेरे ख्याल से आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं क्लियर है कमेंट बॉक्स में बताते जाइए आपको स्लाइड नंबर थ्री कैसी लगी मतलब आपको यहाँ पे मेरी बातें समझ आई तो और yes नो no में जवाब दीजिए मैं कर four, क्या होगा अब यहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछे और यह क्वेश्चन कहूंगा टू टू मार्क्स के आते हैं आपके स्कूल एग्जाम में टू टू मार्क्स या वन वन मार्क्स में आते हैं क्या करने वाले हैं वो आपको एक नंबर लाइन देने वाले हैं दिख रही है आपको एक नंबर लाइन इस नंबर लाइन पे वो आपसे बोलने वाले हैं कि बताइए टू से लेके फोर तक का डिस्टेंस कितना है बताइए कितना डिस्टेंस है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितना डिस्टेंस है मैंने अभी जस्ट पीछे समझाया क्या समझाया था मैंने पीछे कि भाई ये जो जीरो से आपने चीज की स्टार्टिंग की थी और आप ये जो वन तक आए हैं इस डिस्टेंस को हम कहते हैं यूनिट डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस यूनिट मतलब यहाँ पे मीटर हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है वन यूनिट है ये ये वन यूनिट डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस है वन मीटर वन सेंटीमीटर यूनिट कुछ भी हो सकती है आपको यूनिट्स पता है कि किसी भी चीज़ का अगर आपको वेट देना है तो आप यूनिट यूज करते हैं के जी ग्राम्स हर चीज के नाम के पीछे उसका सरनेम होता है ना तो देखिएगा अगर मुझे आपका नाम लेना है और उसके पीछे अगर मैं सरनेम लगा दूंगा तो इससे ये समझ आता है कि आपकी आइडेंटिटी आपका नाम है और आपके पीछे का जो सरनेम है वो सरनेम आपकी फैमिली की आइडेंटिटी दे रही है तो यहीं पे भी ऐसा ही है यहाँ पे जीरो और वन इस डिस्टेंस के लिए खुद की एक आइडेंटिटी है डिस्टेंस के लिए वो आइडेंटिटी है जैसे आपका मीटर सेंटीमीटर ठीक है किलोमीटर कितना डिस्टेंस मूवमेंट हुआ तो ज़ीरो से वन आने में जीरो से वन आने में आपने वन यूनिट डिस्टेंस क्रॉस किया यही सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू एंड फोर टू और फोर के बीच में कितना डिस्टेंस है तो आप कहेंगे सर टू से थ्री तक मैं आया तो मैंने वन यूनिट क्रॉस किया फिर थ्री से जब मैं फोर आया मैंने टू यूनिट क्रॉस किया तो यहां पर आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सर टू यूनिट ठीक है तो टू यूनिट आपको बताना आना चाहिए कि आपने कितना मूवमेंट किया टू से आप कितना मूवमेंट किया आपने दो यूनिट का मूवमेंट किया ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू एंड सिक्स आप बताइए टू से लेके सिक्स तक का बीच में कितना डिस्टेंस है तो आप कहेंगे सर टू से थ्री आने में वन यूनिट अगेन टू यूनिट टू यूनिट के बाद थ्री यूनिट थ्री यूनिट के बाद यहां पे हम आएंगे फोर यूनिट तो हमने कितना मूवमेंट किया टू से सिक्स आने में हमने फोर यूनिट का मूवमेंट किया तो कितना डिस्टेंस है डिस्टेंस है फोर यूनिट का या अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि बताइए टू से सेवन आने में कितना डिस्टेंस मूव किया तो टू से सेवन आने में आपने वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट एंड फाइव यूनिट का मूवमेंट किया टोटल फाइव यूनिट का आपका मूवमेंट हुआ तो आउट ऑफ एनी टू होल नंबर्स द नंबर ऑन द राइट ऑफ द अदर नंबर आउट ऑफ एनी टू होल नंबर्स कोई भी अगर दो होल नंबर्स की मैं बात करूं तो द नंबर ऑन द राइट द नंबर ऑन द राइट ऑफ द अदर नंबर इज ग्रेटर नंबर वी कैन ऑल्सो से दैट द होल नंबर ऑन लेफ्ट इज द स्मॉलर नंबर इस स्टेटमेंट को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कौन सा यह स्टेटमेंट मैं आपको फिर से दिखाता हूं मैं क्या पढ़ रहा हूं तो यहां पर अगर कोई दो होल नंबर्स की हम बात करते हैं तो इन एनी टू होल नंबर्स बिटवीन एनी टू होल नंबर्स द नंबर ऑन द राइट ऑफ द अदर नंबर इस नंबर के राइट right वाला जो नंबर है वो बड़ा नंबर होगा थ्री के, right के, right के, right के, right के राइट में eight, eight बड़ा फोर फोर के राइट में फाइव बड़ा नंबर है फाइव के राइट में सिक्स सिक्स बड़ा नंबर है सिक्स के सेवन में राइट सेवन बड़ा नंबर है सेवन के राइट में एट एट बड़ा नंबर है तो जब मैं राइट right मूवमेंट करता हूं तो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं ठीक है इज द ग्रेटर नंबर और अगर मैं किसी होल नंबर के लेफ्ट में मूवमेंट करता हूँ तो नंबर डिक्रीज होते जाएंगे इसका मतलब ये है कि अगर मैं एट से लेफ्ट में मूवमेंट करता हूँ तो देखिए सेवन आया सेवन से लेफ्ट में मूवमेंट करता हूँ मतलब सिक्स आया सिक्स से फाइव में मूवमेंट करता हूँ तो फाइव आया इसका मतलब नंबर डिक्रीज होता जा रहा है जब मेरा मूवमेंट लेफ्ट साइड में होगा तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी प्रड्यूसर वैल्यूज निकलेंगी राइट right में जाएंगे तो सक्सेसर वैल्यू निकलेंगी इस चीज को आप दिमाग में उतार लीजिए बहुत अच्छे से क्लियर है तो वी कैन ऑल्सो से दैट होल नंबर ऑन द लेफ्ट इज द स्मॉलर नंबर प्लेस द सक्सेसर ऑफ ट्वेल्व प्लेस द सक्सेसर ऑफ ट्वेल्व एंड द प्रिडर ऑफ सेवन ऑन द नंबर लाइन ये क्या कह रहा है अब अगेन यहाँ पे मैं कहूंगा थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आता है या टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको एक नंबर लाइन दे दी जाएगी इस नंबर लाइन पे आपसे कहेंगे कि 12 का सक्सेसर बताइए तो अगर इस नंबर लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं और यहां एरो बना दूं तो आप देखिएगा नाइन के बाद यहां पे आएगा टेन टेन के बाद यहां आएगा इलेवन इलेवन के बाद यहां आएगा ट्वेल्व ट्वेल्व के बाद यहां आएगा थर्टीन वही वन वन यूनिट और ट्वेल्व का सक्सेसर ट्वेल्व का सक्सेसर होता है ट्वेल्व प्लस वन तो ये वैल्यू आ जाएगी थर्टीन इसका मतलब ट्वेल्व का सक्सेसर है थर्टीन और इसका क्या है एंड द प्रिडिसर ऑफ सेवन सेवन का एक पिछला वाला वैल्यू मतलब मुझे लेफ्ट मूवमेंट दिखानी पड़ेगी तो सेवन का प्रिडिसर आपका हो जाएगा सिक्स मतलब यहां पे सेवन माइनस वन करूंगा तो देखो सिक्स आया प्रिडिसर बताने के लिए माइनस सक्सेसर बताने के लिए प्लस इतनी छोटी सी आपको नंबर लाइन पे मूवमेंट करनी आनी चाहिए मूव करते हैं नेक्स्ट तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिए आगे का स्लाइड देखिए क्या द नंबर लाइन एडिशन ऑन द नंबर लाइन तो कुल मिला के हमें अब सीखने हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ठीक है तो यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर कैसे एडिशन होता है कैसे सब्ट्रैक्शन होता है पहले तो इन दो पार्ट पे हम बात कर लेते हैं तो नंबर लाइन से रिलेटेड ये जो दो मैथमेटिकल रिलेशन हैं एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन जिनको मैं मैथमेटिकल रिलेशन बोलता हूँ तो चार रिलेशन होते हैं एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन एक आपका मल्टीप्लीकेशन और एक आपका डिवीजन तो ये टोटल चार रिलेशन में से अभी दो रिलेशन पे हम बात करते हैं तो एक नंबर लाइन आप लोगों ने समझी होल नंबर्स के लिए और इसी होल नंबर्स के लिए एडिशन कैसे करना है तो एडिशन ऑफ होल नंबर्स कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन लेट लेटेस्ट सी द एडिशन ऑफ थ्री एंड फोर तो अब यहां पर ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सिखा रहा है कि अगर मुझे थ्री से फोर को एड करना है आप देखिए थ्री से जब मैं फोर को ऐड करता हूँ तो हमने बचपन में सीखा कि थ्री प्लस फोर करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते थे और थ्री प्लस फोर करके हम यहाँ प्लस सेवन लिखते थे अब यही चीज हमें नंबर लाइन पे दिखानी है हमें क्या करना है हमें जो आगे नंबर दिया है उस नंबर में जो पीछे वाला नंबर हमें ऐड करना है ठीक है तो हम उस नंबर से अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे देखो हम थ्री की पोजीशन पे आके बैठ जाएंगे थ्री होल नंबर है यहाँ पे क्योंकि जीरो से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हुई है तो हम थ्री से जब फोर यूनिट ऐड करेंगे मतलब थ्री से जब हम फोर यूनिट को ऐड करेंगे तो इसका मतलब थ्री प्लस वन यूनिट प्लस टू यूनिट प्लस थ्री यूनिट प्लस फोर यूनिट विल गिव यू देखो सेवन और यही तो हमारा आंसर आना चाहिए था कि जब मैं थ्री में चार ऐड करूंगा ये क्या चार आपने ऐड किया फोर यूनिट्स को ऐड किया है तो ऑलरेडी आप थ्री यूनिट्स तक आए हुए हो आप जीरो से होल नंबर से ऑलरेडी थ्री यूनिट आगे हो और इस थ्री यूनिट में आपको फोर यूनिट और ऐड करने हैं तो आपका आंसर फाइनली आएगा सेवन यूनिट्स तो ये एडिशन का तरीका है वन मार्क्स या वन एंड हाफ मार्क्स या टू मार्क्स में इस तरह के सवाल आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्लियर है तो ये थ्योरी पार्ट में हम समझाते हुए चल रहे हैं आपकी कॉपी में एक एक प्रॉपर तरीके से सारी थ्योरी नोट आउट होनी चाहिए मतलब सारी थ्योरी को प्रॉपर तरीके से लिखते हुए चलना और प्रॉपर ऐसे ही चीज़ों को फॉर्म करना जैसे मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ चलिए इसी के बाद हम मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन सब्ट्रैक्शन का मतलब किसी एक नंबर से कोई दूसरे नंबर को कम करना है घटाना है सब्ट्रैक्ट करना है इसके लिए हम क्या करेंगे हमने सीखा है कोई भी नंबर जैसे हमें दिया हमें दिए सेवन सेवन में से उन्होंने बोला माइनस थ्री करिए तो सात में से तीन जाएंगे देखो यहाँ पे चार बचेगा तो यही चीज अब हमें नंबर लाइन के ऊपर दिखानी है इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया क्या एग्जाम्पल लिया द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर कैन ऑल्सो बी शोन ऑन द नंबर लाइन वो कैसे कि लेट इज फाइंड सेवन माइनस फाइव सेवन माइनस फाइव ऑन नंबर लाइन सवाल कैसे आएगा क्वेश्चन कैसे आएगा क्वेश्चन तुम्हें आएगा फाइंड सेवन माइनस फाइव ऑन नंबर लाइन नंबर लाइन के ऊपर आप सेवन माइनस फाइव को रिप्रेजेंट करो तो सेवन माइनस फाइव का मतलब है कि आप जीरो से पहले सेवन तक आएंगे आप सेवन को मार्किंग कर देंगे यहाँ और सेवन यूनिट्स मतलब जीरो से सेवन तक सेवन यूनिट्स होते हैं वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट फाइव यूनिट सिक्स यूनिट सेवन यूनिट इन सेवन यूनिट्स में से आपको फाइव यूनिट सब्ट्रैक्ट करना है तो सेवन यूनिट में से फाइव यूनिट को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आप सेवन से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मूवमेंट दिखाना है क्लियर है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप इस तरफ का डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और ऐड करने के लिए आप उस तरफ जाएंगे ये आपको सक्सेसर देता है ये आपको प्रिड्यूसर देता है क्लियर है तो आप सेवन से एरो इस साइड लेके जाएंगे आपने पीछे एडिशन में सीखा कि आप एडिशन के लिए आगे जाते हैं यहां पे आप सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूवमेंट करेंगे कितना यूनिट जितना यूनिट उन्होंने बाद में दिया है उन्होंने बोला है फाइव यूनिट आउट ऑफ सेवन यूनिट फाइव यूनिट को हटा दो तो देखना एक यूनिट दो यूनिट तीन यूनिट चार यूनिट और ये पांच यूनिट आप देखेंगे जब सेवन से मैं ये फाइव यूनिट्स को माइनस कर दूंगा तो मेरा जवाब यहाँ पे टू आएगा क्लियर है ये चीज तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व अगेन मैं कहूँगा एडिशन का यहाँ तो वन एंड हाफ मार्क्स टू मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ऑन नंबर लाइन या फिर सब्ट्रैक्शन रिलेटेड आपको यहां पर सवाल पूछा जा सकता है और एकदम पूछा जा सकता है क्लियर है चलिए तो एनसीईआरटी बुक में आप ये चीजों को देखेंगे कि कैसे चीजें समझाई हुई हैं अब आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं यस yes, मल्टीप्लाई तो मैथमेटिकल रिलेशन है एक मल्टीप्लीकेशन जो कि आप नंबर लाइन पे कर सकते हैं इससे रिलेटेड भी आपको सवाल आ सकता है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर ऑन द नंबर लाइन लेटेस्ट फाइंड फोर मल्टीप्लाइड विथ थ्री अब इस चीज को समझना फोर मल्टीप्लाईड विध थ्री का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि फोर ठीक है थ्री यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करने मतलब या तो आप पेयर बना लो थ्री थ्री यूनिट का और उसको फोर टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो कैसे मैं बोलना चाह रहा हूं इस चीज को अगर आप ध्यान देखो तो इन लोगों ने क्या किया है इन लोगों ने चार यूनिट का एक ग्रुप बनाया एक ये पूरा एक यूनिट फिर ये दो यूनिट और ये है आपका तीन यूनिट तो इन्होंने बेसिकली तीन यूनिट का एक ग्रुप बनाया ठीक है तीन यूनिट के ग्रुप को इन्होंने फोर टाइम्स मल्टीप्लाई किया मतलब देखो यहां पे ये तीन यूनिट हुए फिर उसके बाद यहाँ पे ये तीन यूनिट है फिर उसके बाद ये तीन यूनिट है फिर उसके बाद ये तीन यूनिट है तो इन्होंने क्या किया तीन तीन यूनिट के चार ग्रुप फॉर्मेशन किए जीरो से इन्होंने अपनी काउंटिंग स्टार्ट की तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन आप जीरो से स्टार्ट करना हो सकता है आपको देखो यहां दे देते कि टू मल्टीप्लाइड इस केस में आप क्या करते इस केस में आप दो दो यूनिट का एक ग्रुप बनाते वन एंड टू ठीक है और इस पूरे एक ग्रुप को आप कितनी टाइम मल्टीप्लाई करते थ्री टाइम्स तो अगर आप टू इन थ्री करते तो आपको पता है टू मल्टीप्लाइड विथ थ्री सिक्स होता है अब आप देखना यहां पे भी आंसर सिक्स आएगा कैसे आएगा देखो टू यूनिट का एक ग्रुप ऐसे तीन ग्रुप मार्क करो तो एक ग्रुप ये हो गया फिर नेक्स्ट ग्रुप ये हो गया फिर नेक्स्ट ग्रुप ये हो गया फिर नेक्स्ट ग्रुप एक दो तीन तीन यूनिट हो गए तो यहां पे देखो दो दो यूनिट के तीन ग्रुप एक दो तीन एक दो तीन क्लियर है तो दो दो तीन तीन यूनिट के सॉरी दो दो यूनिट के तीन ग्रुप इंटू सिक्स ये आप आ गए सिक्स पोजीशन पे ऐसे ही इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया देखो मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे देखो ये नंबर लाइन है नंबर लाइन होल नंबर अभी आपन समझ रहे हैं होल नंबर की नंबर लाइन है तो होल नंबर्स चालू होते हैं जीरो से ठीक है मान लो मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ बहुत सारी मैं मार्किंग कर देता हूँ सब वन वन यूनिट के गैप पे है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और मैं बोल रहा हूं कि आप यहां पर दिखाइए मुझे थ्री इंटू थ्री को तो यहां पर थ्री मल्टीप्लाइड वि थ्री का मतलब यह है कि आप तीन तीन के ग्रुप फॉर्मेशन करिए एक दो तीन ठीक है ये एक ग्रुप हो गया इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करिए एक दो तीन एक ग्रुप दो ती, दो और ये तीन तो यहां पे देखो वन टू थ्री तीन तीन यूनिट्स थ्री टाइम्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे आंसर देखो नाइन आ रहा है तो थ्री इंटू थ्री नाइन होता है नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाना है तो ये चीज आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्लियर है तो ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दो दो मार्क्स में हो सकता है देखने को मिले अब इस वीडियो के अंदर नंबर लाइन के हमने ये तीन चीजें समझी हमने सबसे इनिशियल में ये समझा था कि भाई सक्सेसर प्रोड्यूसर क्या होता है होल नंबर्स क्या होते हैं उसके बाद नंबर लाइन क्या होती है नंबर लाइन से रिलेटेड तीन रिलेशन को नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है बेस्ड ऑन दिस कंप्लीट थ्योरी इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं एक्सरसाइज 2.1 ठीक है तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस को आप देखिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर वन में बोला है राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर वन जीरो ट्रिपल नाइन क्या बोला कि वन जीरो देखो हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहां पर और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर वन जीरो ट्रिपल नाइन तो गिवेन नंबर क्या है गिवेन नंबर है यहां पर वन जीरो ट्रिपल नाइन ये आपको गिवेन है अब नेक्स्ट थ्री तो टू गिव टू गिव नेक्स्ट थ्री नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड सक्सेसर ऑफ वन जीरो ट्रिपल नाइन थ्री टाइम्स ठीक है हमें तीन बार सक्सेसर को निकालना पड़ेगा टू गिव द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर वी हैव टू फाइंड सक्सेसर वी हैव टू फाइंड सक्सेसर तो हमें सक्सेसर बताने हैं यहां पर और सक्सेसर बताने के लिए हम क्या करेंगे तो देअर फोर वन जीरो ट्रिपल नाइन एडेड विथ वन जैसे ही मैं वन जीरो ट्रिपल नाइन में वन को ऐड करूंगा तो वन ऐड करने पे ये वैल्यू आपकी हो जाएगी नाइन प्लस वन टेन टेन का जीरो कैरी वन टेन टेन का जीरो कैरी वन टेन टेन का जीरो कैरी वन ये हो जाएगा इलेवन थाउजेंड फर्स्ट ठीक है तो वन जीरो ट्रिपल नाइन के बाद जो पहला जो नेक्स्ट सक्सेसर आएगा वो प्लस वन करने पे आएगा फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर आएगा तो डबल वन ट्रिपल जीरो में अगेन मैं प्लस वन करूंगा फिर इससे जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी डबल वन डबल जीरो वन और फिर डबल वन डबल ज़ीरो वन में अगेन मैं प्लस वन करूंगा तो मुझे नेक्स्ट सक्सेसर मिलेगा तो ये है आपके जवाब वन जीरो ट्रिपल नाइन के बाद मेरे को इलेवन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड वन इलेवन थाउजेंड टू ये तीन नेक्स्ट नंबर्स मिलेंगे तो ये था आपका सॉल्यूशन फर्स्ट क्लियर है तो आपके सामने सवाल क्या था राइट द थ्री नेचुरल नंबर्स और ये नेचुरल नंबर्स हैं यहां पे नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को बोल रहा है मतलब आपकी काउंटिंग वन से स्टार्ट हुई है वन से वो वन जीरो ट्रिपल नाइन तक आया इसके बाद नेक्स्ट बताने हैं तो नेक्स्ट थ्री बताने के लिए मैंने प्लस वन प्लस वन प्लस वन किया बस इतना आसान काम है आपका क्वेश्चन नंबर वन ये दो मार्क्स या वन मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज टू पॉइंट वन से ये हमने कर लिया सॉल्व ठीक है बोर्ड कर लेते हैं क्लियर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू में बोला है राइट द थ्री होल नंबर्स अक्रिंग जस्ट बिफोर वन ट्रिपल जीरो वन अब देखो यहां कंफ्यूज मत होना कि सर ऊपर तो थ्री नेचुरल नंबर्स बोले नीचे थ्री होल नंबर्स बोले तो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स जब नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है ठीक है तो यहां पे राइट द थ्री होल नंबर्स अब होल नंबर्स बताने लेकिन इन्होंने प्रेडिसर पूछा है दो मार्क्स का सवाल आता है ये देखना गिवन नंबर क्या है तो यहां पे मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद मैं यहां पे लिखूंगा मुझे गिवन क्या है तो गिवन नंबर पे गिवन नंबर क्या है इज वन ट्रिपल जीरो वन क्लियर अब इसका प्रिडिस निकालना है तो प्रिडिसर ऑफ वन ट्रिपल जीरो वन तो इसमें मैं लिखूंगा वन ट्रिपल जीरो वन माइनस वन माइनस वन करूंगा थ्री टाइम्स देखना वन ट्रिपल जीरो वन में माइनस वन करूंगा तो ये हो जाएगा वन ट्रिपल जीरो ठीक है फिर ये जो आया इसके बाद का फिर इसका प्रोड्यूसर ठीक है तो प्रीड्यूसर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ वन थाउजेंड तो इसके लिए मैं लिखूंगा वन थाउजेंड माइनस वन तो दस में से एक गया नौ फिर ये नौ और ये नौ नाइन हंड्रेड एंड नाइन ठीक है ये एक नंबर आएगा तो एक आंसर ये आया एक आंसर ये आया टोटल थ्री बताने थे फिर अगेन मैं यहां पे लिखूंगा प्रीडिसर प्रीडिसर ऑफ ट्रिपल नाइन और ट्रिपल नाइन का प्रीडिसर क्या होगा तो ये हो जाएगा ट्रिपल नाइन माइनस वन ठीक है तो जस्ट बिफोर इससे पहले वाला तो इससे पहले वाला ये आपका आंसर है ये आ जाएगा डबल नाइन एट क्लियर है तो ये आंसर तीन निकल के आए अगेन मैं कहूंगा टू मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ ध्यान दीजिएगा बोर्ड कर लेते हैं क्लियर क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है तो विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर सबसे छोटा होल नंबर बताइए देखिए जब मैं थ्योरी अभी पढ़ा रहा था आपको तो थ्योरी में मैंने बताया कि कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता ठीक है डिपेंड करता है आप किस ग्रुप को ले रहे हो उसमें लार्जेस्ट क्या है लेकिन अगर मैं सिंपल ऐसे बोलूं कि होल नंबर्स में लार्जेस्ट बताइए कोई आंसर नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर में लार्जेस्ट बताइए तो उसका कोई जवाब नहीं होगा लेकिन लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट होती है जब वन से तो हम कहेंगे वो सब नेचुरल नंबर है इन सब नेचुरल नंबर्स में जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो है वन और होल नंबर्स काउंटिंग स्टार्ट होती है जीरो से जब काउंटिंग नंबर्स के साथ आप जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हो ठीक है अब सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है जीरो तो विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर तो यहां पे मेरा जवाब होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो ये मेरा जवाब होगा क्लियर है और ब्रैकेट में जीरो नंबर के फॉर्म में भी मैं लिख कर आऊंगा वर्ड फॉर्म में भी और नंबर फॉर्म में भी हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53 अब आप बताइए कि, कि कितने होल नंबर्स हैं 32 से लेकर 53 के बीच में ठीक है तो यहां पे देखो क्या पूछा है 32 से 53 के बीच में सारे होल नंबर्स बताइए थर्टी टू को इंक्लूड नहीं करना थर्टी टू के बाद और फिफ्टी थ्री से पहले तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरी काउंटिंग चालू होगी थर्टी थ्री से ठीक है तो थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री को भी इंक्लूड नहीं करना तो इन दोनों के बीच में ये आ रहे हैं सारे होल नंबर्स इसका मतलब इन्होंने होल क्यों बोला इन्होंने काउंटिंग जीरो से थर्टी टू तक आए इन्होंने कहा थर्टी टू के बाद आप बताइए बट फिफ्टी थ्री से पहले बस इतना मतलब है और कुछ नहीं हमें काउंटिंग बतानी थी सिंपल ठीक है तो देखिएगा दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस टोटल ट्वेंटी होल नंबर्स आते हैं जो कि थर्टी टू और फिफ्टी थ्री के बीच में लाए करते हैं खत्म बात इसमें और कुछ दिमाग हमें नहीं लगाना था क्लियर है चलिए राइट द सक्सर ऑफ फोर जीरो सेवन जीरो वन सिंपल सा सवाल है वन मार्क्स में अगर चार सब पार्ट दिए तो मैं ऐसा कहूंगा हाफ ऑफ मार्क्स के चार मतलब दो मार्क्स का सवाल है ये वाला और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा राइट द सक्सेसर एंड राइट द प्रीडिसर सक्सेसर निकालने के लिए प्लस वन करना है और कुछ नहीं करना ठीक है तो देखिए इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है इसको अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है आप लिखेंगे सॉल्यूशन सोल्यूशन के बाद आप लिखेंगे ए इसका फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है फोर जीरो सेवन जीरो वन द सक्सेसर द सक्सेसर ऑफ फोर जीरो सेवन जीरो वन इसका सक्सेसर क्या है तो वो है फोर जीरो सेवन जीरो वन प्लस वन और ये वैल्यू आएगी फोर जीरो सेवन जीरो टू ये इसका सक्सेसर है खत्म बस ये आपको हाफ मार्क्स देगा तो प्लस वन करते हुए जाना है ऐसे बी पार्ट का आंसर क्या होगा तो इसको भी देख लेना बी पार्ट में आपको नंबर दिया है वन डबल जीरो वन डबल नाइन ठीक है द सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर ऑफ वन डबल जीरो वन डबल नाइन इज इसका सक्सेसर क्या है तो ये है वन जीरो जीरो वन डबल नाइन प्लस वन सक्सेसर मतलब आगे का वैल्यू बताना है प्लस वन करना है हमेशा बस और कुछ नहीं करना तो यहां पे नाइन प्लस वन होता है टेन टेन का जीरो कैरी वन टेन टेन का जीरो कैरी वन टू ठीक है और डबल जीरो वन तो ये आ जाएगा डबल जीरो वन तो वन डबल जीरो टू डबल जीरो सक्सेसर है क्लियर है तो ये इसका सक्सेसर है। ए और बी पार्ट हमने कर दिया है, यहां सॉल्व। सी का आंसर और डी का आंसर चलिए इसमें भी कर देते हैं तो इसका सक्सेसर क्या होगा जब इसमें नाइन प्लस वन टेन टेन का जीरो कैरी 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 वन ये वन यहां आ जाएगा और यहां पे आ जाएगी वैल्यू तो इलेवन लैक ये सक्सेसर है सी ऑप्शन के लिए डी का आंसर क्या है अगेन प्लस वन कर दूंगा तो जीरो प्लस वन इज वन बाकी सब डिजिट ऐसे के ऐसे ही उतर जाएंगे क्लियर है तो इसका सक्सेसर है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन सक्सेसर एक आगे वाली वैल्यू तो आपने देखा एक्सरसाइज 2.1 के हमने पांच क्वेश्चन यहां पे कर लिए हैं सॉल्व तो इस वीडियो में मैंने आपको थ्योरी दी थ्योरी के बाद मैंने आपको एक्सरसाइज कराई ये जो पांच क्वेश्चन है इसके बाद ये दो क्वेश्चन और देखिएगा तो राइट द प्रिड्यूसर ऑफ प्रिड्यूसर किसका तो प्रिड्यूसर का मतलब है पहली बात तो माइनस वन तो माइनस वन हमें करना प्रिड्यूसर हमें इन नंबर्स का बताना है तो देखो इसको करने के लिए हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन तो वर्ड लिख लेते हैं यहां पे सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहां पे लिखेंगे कि टू फाइंड द प्रोड्यूसर ऑफ द गिवेन नंबर 94 तो ए पार्ट में हमें नंबर दिया है 94 ठीक है और हमें सॉल्यूशन यहां पे लिखना है टू फाइंड प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ऑफ 94 तो फोर माइनस वन मतलब इससे पहले वाला एक नंबर बताना है तो 94 में से हम माइनस वन कर देंगे ये आ जाएगा 93 इतना आसान है बी पार्ट में देखना बी पार्ट में हमें दिया है वन टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड और टेन थाउजेंड में से हम क्या करेंगे तो टेन थाउजेंड में से भी हम माइनस वन कर देंगे तो दस में से एक गया नौ फिर नौ ठीक है इससे कैरी लिया इससे कैरी लिया ये नाइन और इससे कैरी लिया नाइन तो फोर टाइम्स नाइन मतलब नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ये आएगा माइनस वन करने पे ऐसे ही नेक्स्ट नंबर सी ऑप्शन देखिएगा सी में माइनस करना है बस और कुछ नहीं करना हो ये माइनस प्लस करना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई गलती नहीं करने वाले इसमें से माइनस वन करेंगे तो देखो टू ज़ीरो एट ज़ीरो नाइन जीरो में से जब मैं माइनस वन करूंगा तो ये वैल्यू ज़ीरो में से वन नहीं जा सकता तो टेन में से वन जाएगा टेन में से वन जाएगा तो यूनिट प्लेस पे आएगा नाइन नाइन था टेंस डिजिट तो नाइन ने कैरी दिया ज़ीरो को तो ये हो जाएगा एट तो ये आएगा एट्टी नाइन और आगे के डिजिट सब सेम आ जाएंगे टू ज़ीरो एट ज़ीरो एट नाइन ठीक है एक पहले वाला बताना है ऐसे ही आपको डी ऑप्शन देखना है देखो डी ऑप्शन में आपको क्या दिया है तो सेवन सिक्स फाइव फोर सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और थ्री टू वन माइनस वन कर दो प्रोड्यूसर बताना है एक पीछे का बताना है तो वन माइनस वन हो जाएगा जीरो और आगे के सब डिजिट वैसे ही आ जाएंगे तो ये आ जाएगा सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू जीरो ठीक है तो ये आ गया आपका जवाब सॉल्यूशन किसका है ये सिक्स का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको चारों ऑप्शन यहां पे दे दिए हैं मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बोर्ड कर लेते हैं क्लियर क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या कह रहा है यहां ध्यान दीजिएगा ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स तो यहां पर हर एक पेयर आपको दिया है देखो फाइव थ्री जीरो कॉमा फाइव जीरो थ्री थ्री सेवन जीरो कॉमा थ्री जीरो सेवन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव कॉमा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन एट थ्री जीरो फोर वन फाइव कॉमा वन डबल जीरो टू थ्री डबल जीरो वन तो आपको कुछ नंबर्स के पेयर दिए कॉमा के साथ में ठीक है ये कह रहा है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स कॉमा स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ठीक है अब इन्होंने कहा है ये सारे होल नंबर्स हैं आपको ये बताना है कौन सा नंबर किस नंबर के लेफ्ट में होगा ठीक है आपको लेफ्ट वाला नंबर बताना है उसी के साथ आपको यह बताना है कि ऑल्सो राइट विद द विद्रोप्रिएट साइन इन साइन का यूज करना है और ये कौन सा साइन है ये बेसिकली साइन है ग्रेटर देन और लेस देन का ठीक है ये साइन है आपका ग्रेटर देन का ये साइन है आपके लेस देन का अब सर हम कैसे इन साइन को याद रखें कई बच्चों को इसको याद रखने में भी इशू आता है तो आप हमेशा याद रखना मछली का मुंह है ऐसा समझ लीजिए कि फिश का माउथ है ये ठीक है फिश का माउथ इसको इमेजिन कर लो अब जिस तरफ ये ओपन रहेगा मतलब वो बड़ा नंबर है फिश उसको खाने के लिए जा रही है बड़ी चीज को खाने के लिए जा रही है तो जिस तरफ माउथ ओपन रहेगा वहां पे बड़ा नंबर लिखा होगा ठीक है अगर माउथ इस साइड ओपन है तो इधर कोई ग्रेटर नंबर है इसलिए ये माउथ इस साइड ओपन है और अगर माउथ इस साइड ओपन है तो इसका मतलब जी इस तरफ है मतलब कोई ग्रेटर नंबर इस तरफ है ये उसको खाने के लिए जा रही है तो ऐसे ही याद रखने के कुछ तरीके होते हैं ठीक है ठीके? आपको चीजें समझ आनी चाहिए बस अब देखो आपको करना क्या है तो आपको एक नंबर एक पेयर दिया है पहला वाला आपको क्या दिया है नंबर फाइव थ्री जीरो फिर आपको दिया है फाइव जीरो थ्री ठीक है अब इनमें से आपको बताना है बड़ा छोटा कौन सा और नंबर लाइन के ऊपर कौन सा नंबर लेफ्ट में और कौन सा नंबर राइट right में तो पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं तो यहां से देखिए मैंने एक नंबर लाइन बनाई ठीक है अब ये एक ही एंड पे एरो बनाया द रीजन इज बिंग क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है यहां से आप जीरो की स्टार्टिंग कर रहे हैं ठीक है होल नंबर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहां पे अगर जीरो है तो जीरो से जब मैं स्टार्टिंग करता हुआ आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहला नंबर फाइव हंड्रेड फिर फाइव हंड्रेड के बाद फाइव हंड्रेड वन फिर नेक्स्ट नंबर फाइव हंड्रेड टू फिर नेक्स्ट नंबर फाइव हंड्रेड थ्री तो ये आ जाएगा फाइव हंड्रेड थ्री मतलब ज़ीरो से जब मैं इधर चलना चालू करूंगा, तो फाइव जीरो थ्री पहले आएगा आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए तो इसको समझिएगा कि फाइव जीरो थ्री सबसे पहले लाइ करेगा जीरो के बाद जैसे ही मैं काउंटिंग चालू करता हूँ तो जीरो एक होल नंबर है यहाँ से काउंटिंग चालू करूँगा तो फाइव ज़ीरो थ्री पहले लाई करेगा उसके बाद में जब काउंटिंग करता हुआ मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो फाइव ट्वेंटी नाइन के बाद आएगा फाइव थर्टी यहाँ पर आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा डॉटेड का मतलब ये है कि मैं काउंटिंग करता हुआ चल रहा हूँ पीछ की चीज को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया सारे नंबर लिखने बैठूंगा तो बहुत लंबा समय भी लग जाएगा और इतना नहीं करना आपको सिर्फ नंबर लाइन पे चीज़ें दिखानी है तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे जो नंबर लाइन हम फॉर्मेशन करेंगे वहां पे हम बस एक जीरो दिखाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट जीरो के बाद क्या नंबर आने वाला है वो है फाइव जीरो थ्री और फाइव जीरो थ्री के बाद लाइक करेगा फाइव हंड्रेड एंड थर्टी आपने नोइंग अवर नंबर्स वाले चैप्टर में सीखा था बड़ा नंबर और छोटा नंबर कैसे सर्च करते हैं तो बड़ा नंबर यहाँ पे देखो ये फाइव हंड्रेड ये फाइव हंड्रेड इन दोनों की हंड्रेड डिजिट सेम है लेकिन इन दोनों की जो टेंस डिजिट है उसमें बड़ी वैल्यू थ्री यहां आ रही है तो हम कहेंगे फाइव थर्टी बड़ा नंबर है इसका मतलब जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे इस साइड जाएंगे तो बड़ा नंबर बाद में जाएगा तो हम कहेंगे जो हमसे सवाल पूछा है कि विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर मैं कहूंगा 503 जीरो थ्री लाइज ऑन लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में 503 जीरो लाई करेगा एक बात दूसरा 503 क्योंकि लेफ्ट में लाई कर रहा है और 503 क्योंकि राइट right में लाई कर रहा है ठीक है तो जितना राइट right जाओगे उतना नंबर बड़ा होगा तो इसका मतलब 530 जो है वो 503 से बड़ा है तो जो फिश माउथ आएगा इसको मैं फिश माउथ कहता हूँ जो फिश माउथ आएगा मछली का जो मुंह आएगा खुला हुआ वो बड़े नंबर की तरफ आएगा तो ये माउथ इस तरफ सिंबल दिखाएगा इन्होंने यही कहा था ना कि इस अप्रोप्रिएट साइन का यूज करिए तो हमने वो अप्रोप्रिएट साइन का यूज कर लिया आप देखो मैंने ए पार्ट के लिए नंबर लाइन भी बनाई मैंने बताया 503 लेफ्ट में लाइ कर रहा है 530 राइट में एक्सट्रीम राइट में लाई कर रहा है बड़ा कौन सा है जो लेफ्ट में लाई करेगा वो हमेशा छोटा होगा जो राइट में लाई करेगा वो हमेशा बड़ा होगा सिंपल सा बस ये चीज आपको बतानी थी तो इसका ए पार्ट कर लिया आपने सॉल्व बोर्ड कर लेते हैं क्लियर मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ तो इसके बी पार्ट में देखो हमसे क्या बोला है पी पार्ट में हमसे कहा है थ्री कॉमा थ्री ठीक है तो 370.307 सेवेंटी कॉमा थ्री अब यहाँ पे बड़ा क्या है और छोटा क्या है सबसे पहली बात तो आपने नोइंग ओवर नंबर्स में इस चीज़ को पहचाना था कि यूनिट्स डिजिट चेक करनी है टेंस डिजिट चेक करनी है हंड्रेड्स डिजिट चेक करनी है सबसे पहले बड़ा छोटा बताने के लिए आप सबसे आगे वाली डिजिट मतलब हंड्रेड्स डिजिट को चेक करो दोनों के हंड्रेड डिजिट चेक किए दोनों सिमिलर आ रहे हैं ठीक है इनका टेंस डिजिट चेक करना तो टेंस डिजिट देखो यहाँ पे सेवन दिखा रहा है ये जीरो दिखा रहा है ये बड़ा नंबर है सेवन इज द लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ सेवन एंड जीरो इस कारण मैं बोलूंगा 370 बड़ा है 370 इज ग्रेटर देन 307 एप्रोप्रिएट साइन का यूज कर लिया अब 370 बड़ा है तो नंबर लाइन होल नंबर दिखाने हैं नंबर लाइन के ऊपर तो पहला तो होल नंबर आपका जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होगी तो आपका थ्री जीरो सेवन जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट में लाई करेगा और थ्री सेवेंटी जो है ये राइट में लाई करेगा मैं बोलूंगा थ्री जीरो सेवन लाइज लेफ्ट ऑफ थ्री सेवेंटी थ्री सेवेंटी के लेफ्ट में थ्री जीरो सेवन लाई करेगा खत्म बात ड्रॉइंग भी बनानी है स्टेटमेंट भी लिखना है साइन का भी यूज करना है वन मार्क्स टू मार्क्स में ये एक पार्ट पूछ सकते हैं क्लियर है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ के सी पार्ट में देखिएगा बोर्ड कर लेते हैं क्लियर इसका सी पार्ट क्या कह रहा है तो इसका सी पार्ट कह रहा है कि आपके पास दो नंबर है एक नंबर है नाइन एट सेवन सिक्स फाइव कौमा दूसरा नंबर है फाइव सिक्स सेवन ठीक है एट नाइन ठीक है अब देखना कितने डिजिट हैं तो यहां पर पांच डिजिट है इधर अगेन फाइव डिजिट है फाइव डिजिट फाइव डिजिट जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट है मतलब यहां पे जो टेन थाउजेंड प्लेस है उसको सबसे पहले चेक करिए तो यहां पे दिया नाइन यहां पे दिया फाइव इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है और क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो मैं कहूँगा नाइन एट सेवन सिक्स फाइव इज ग्रेटर देन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एक काम हमने कर दिया ठीक है अब जो छोटी वैल्यू है वो नंबर लाइन पे हमेशा जीरो के पास लाई करेगी मतलब पहले लाई करेगी तो पहले लाई कर रही है आपकी फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और जब मैं काउंटिंग करता हुआ जाऊँगा तो एक्सट्रीम राइट right में ये वैल्यू आएगी नाइन एट सेवन सिक्स फाइव बड़ी वैल्यू हमेशा एक्सट्रीम राइट right होती है तो हम कहेंगे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन लाइज ऑन लेफ्ट ऑफ नाइन एट सेवन सिक्स फाइव क्लियर है तो इस तरीके से आपको सी पार्ट को करना था सॉल्व बोर्ड कर लेते हैं क्लियर डी पार्ट का आंसर क्या होगा सर तो नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करिए देखिए दिया क्या है डी पार्ट में तो इसको भी लिख लेते हैं डी पार्ट में हमें दिया है नाइन एट थ्री जीरो फोर वन फाइव कॉमा वन डबल जीरो टू थ्री तो वन डबल जीरो टू थ्री डबल जीरो वन ठीक है अब बड़ा कौन सा है छोटा सा है सबसे पहले वो देख लेते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होते हैं वो बड़ा नंबर होता है दैट मीन्स नाइन एट थ्री जीरो फोर वन फाइव छोटी वैल्यू है किससे? से वन डबल जीरो टू थ्री डबल जीरो वन से सिंबल का यूज़ किया इसके बाद हमें नंबर लाइन बनानी है फॉर द होल नंबर्स तो ज़ीरो से हमारी काउंटिंग चालू होगी जो सबसे बड़ा नंबर है वो एक्सट्रीम राइट right में जाएगा जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड से चालू होगी तो ज़ीरो के लेफ्ट ज़ीरो के राइट right में लाई कर रहा है नाइन एट थ्री ज़ीरो फोर वन फाइव और एक्सट्रीम जब राइट right जाता हूं तो यहां पे लाइ करेगा वन डबल ज़ीरो टू थ्री डबल ज़ीरो वन क्लियर है तो यहां पर मैं कहूंगा लाइज लेफ्ट ऑफ किसके लेफ्ट में लाई कर रहा है ये ये लाई कर रहा है इस नंबर के वन डबल जीरो टू थ्री डबल जीरो वन के क्लियर है तो इस तरीके से आपने डी पार्ट को भी कर लिया सॉल्व तो सिक्स और सेवंथ क्वेश्चन भी यहां हो गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एक्सरसाइज टू पॉइंट वन से आपने ये सात क्वेश्चंस को कर लिया सॉल्व लास्ट क्वेश्चन जो यहां पे एक्सरसाइज में दिया है वो मेरे ख्याल से ट्रू एंड फॉल्स है यस देखिए एथ क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है इसको भी करते हैं सॉल्व यहाँ पे देखिएगा ट्रू एंड फॉल्स में तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स कौन से सही है कौन से गलत है जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या जीरो होता है तो यहाँ पे डेफिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स उनको कहते हैं जब काउंटिंग नंबर्स होते हैं मतलब काउंटिंग नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होते हैं तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नैचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स में सबसे छोटी वैल्यू वन होती है इसका मतलब नेचुरल नंबर्स में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो वन होगी तो यहाँ पे इन्होंने बोला 0 is smallest natural number. है जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है ठीक है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा एफ आएगा उसके बाद फोर हंड्रेड इज द प्रिड्यूसर ऑफ थ्री नाइनटी नाइन फोर हंड्रेड प्रिड्यूसर है किसका थ्री नाइनटी नाइन का करके देखो 399 का प्रोड्यूसर क्या होगा तो 399 में प्रीडिसर का मतलब होता है माइनस वन तो 399 में अगर मैं माइनस वन करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 398 इन्होंने बोला है 400 तो 399 का सक्सेसर है 400 ठीक है ये बोल रहे फोर हंड्रेड इज द प्रीडिसर ऑफ 399 399 का जो प्रीडिसर है वो 400 है अगेन ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है क्लियर है तो क्या फॉल्स है क्या ट्रू है मैं साथ साथ आपको इन बॉक्स में फिल करता हुआ जा रहा हूँ और आपको रीजन भी देता हुआ चल रहा हूँ चलिए जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर सबसे छोटा होल नंबर जो है वो जीरो है तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर यस होल नंबर का मतलब ही होता है कि जब आपकी काउंटिंग के साथ जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स ठीक है तो यहां पे जीरो सबसे छोटा होल नंबर है ये स्टेटमेंट ट्रू है क्लियर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको बातें समझ आ रही है मेरी मैं जैसे समझाता हूँ चल रहा हूं ठीक है आगे देखिएगा डी ऑप्शन 600 हंड्रेड इज द सक्सेसर ऑफ 599 600 सक्सेसर है किसका 599 डबल नाइन का क्या ये स्टेटमेंट सही है तो देखो 599 का सक्सेसर अगर मैं बात करूं तो ये प्लस वन होगा और जैसी फाइव डबल नाइन में मैं प्लस वन करूंगा तो ये हमें वैल्यू देगा सिक्स हंड्रेड यस ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है ठीक तो है. है, है तो सिक्स हंड्रेड इज सक्सेसर ऑफ फाइव डबल नाइन टू स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सब होल नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जब आपकी काउंटिंग वन से स्टार्ट होती है तो सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स हैं तो यहाँ पे यस yes, मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि सारे नेचुरल नंबर मतलब आपकी काउंटिंग वन से स्टार्ट हो रही है और होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से तो जितने नेचुरल नंबर है उनको भी मैं होल नंबर बोलूंगा ठीक तो है. है तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है सारे होल नंबर नेचुरल हैं तो देखो होल नंबर का मतलब जब आपकी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है मतलब सारे काउंटिंग नंबर्स के साथ आप जीरो को इंक्लूड कर लेते हो तो अब होल नंबर में जीरो भी आ गया क्या जीरो नेचुरल नंबर्स में आता है तो हम कहेंगे नहीं नो no. तो यहाँ पे क्या है? है हम कहेंगे ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट ठीक है सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते बट हाँ सारे नेचुरल होल होते हैं तो ये कुछ बातें थी जो आपको थ्योरी में समझनी है आपको कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स वन मार्क्स के ऐसे सवाल आ सकते हैं हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स में ना आए यह एम सी क्यू में आ जाए या इन द ब्लैंक्स में भी आ जाए तो अच्छे सवाल थे जो आपने ए पार्ट से एफ पार्ट तक सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर एट में आगे और भी सब पार्ट हैं उनको देखते हैं तो जी से लेके एम तक के सब पार्ट इन पे ध्यान देना द प्रोड्यूसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर कोई भी दो डिजिट का नंबर ले लो ठीक है इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर तो आप दो डिजिट का एक नंबर लो मैं ले रहा हूं टेन और टेन का प्रीडिसर क्या होगा तो प्रीडिसर ऑफ टेन इज माइनस वन मतलब टेन में से वन माइनस हुआ तो नाइन आया इसने बोला कि जब भी कोई भी आप दो डिजिट का नंबर लेंगे कोई भी दो डिजिट का नंबर उसमें से अगर आप उसका प्रीडिसर निकालेंगे दो डिजिट के नंबर का तो वो कभी सिंगल डिजिट आंसर नहीं आएगा बट आ रहा है तो मैं बोलूंगा द प्रोड्यूसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर कैन बी ए सिंगल डिजिट नंबर यहां पे बोला is never. False है इज नेवर ये स्टेटमेंट फॉल्स है फॉल्स स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है क्लियर है वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर वन सबसे छोटा होल नंबर है अब सबसे छोटा होल नंबर तो जीरो है क्योंकि होल नंबर्स उनको बोलते हैं कि जब काउंटिंग नंबर्स के साथ जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है तो सबसे छोटा होल नंबर जीरो है इन्होंने कहा है कि वन सबसे छोटा होल नंबर है अगेन मैं कहूंगा स्टेटमेंट फॉल्स है क्लियर है आगे देखना द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रीडिसर नेचुरल नंबर वन का कोई भी प्रीडिसर नहीं होगा तो कोई भी नेचुरल प्रीडिसर नहीं होगा ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है वन का वन इज अ नेचुरल नंबर इन्होंने वर्ड बोला है नेचुरल नंबर ठीक है तो वन का होल नंबर प्रीडिसर हो सकता है बट नेचुरल नंबर प्रिड्यूसर नहीं है ठीक है प्रिड्यूसर का मतलब वन माइनस वन करेंगे तो आंसर जीरो आ रहा है प्रोड्यूसर का मतलब ही होता है माइनस वन करना है दिए हुए नंबर से तो दिया हुआ नंबर वन था वन माइनस वन जीरो होगा तो जीरो इज अ होल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर ये स्टेटमेंट ट्रू है द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रोड्यूसर ठीक है द होल नंबर वन हैज नो प्रोड्यूसर इन्होंने कहा है अगर वन को आप होल नंबर की नजर से देखोगे तो यहां पे देखो वन अब एक होल नंबर है और इसका प्रेडिसर तो वन का प्रेडिसर आप देखोगे तो वो ज़ीरो आएगा अगर वन होल नंबर है तो इसका प्रेडिसर है जीरो ठीक है इसने कहा है द होल नंबर वन हैज़ नो प्रोड्यूसर नहीं है मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है है इसका प्रोड्यूसर है क्लियर है तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जे स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट बहुत आराम से समझते हुए शब्दों का अनुवाद बहुत ध्यान रखना है क्लियर यहाँ पर चलिए तो एक काम करते हैं जितना हमने वर्क किया है इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर यह बाकी चीजें लिखी रहेंगी ठीक है तीन और है हमारे सामने सब पार्ट इन पे ध्यान दीजिएगा द होल नंबर थर्टीन लाइज बिटवीन इलेवन एंड थर्टीन ये कह रहा है एक होल नंबर है थर्टीन जो कि ग्यारह और बारह के बीच में लाइ करता है आप देखना इलेवन का सक्सेसर अगर मैं देखूंगा तो इलेवन प्लस वन ठीक है तो इलेवन प्लस वन ट्वेल्व देगा और 11 का अगर मैं प्रीडिसर देखूंगा तो वो 10 होगा अब 11 और 12 के बीच में 13 लाई नहीं करता है 12 के बाद में। ये ये 12 का 12 का जो है ये है। सक्सेसर तो ये इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता ये स्टेटमेंट फॉल्स है गलत स्टेटमेंट है ठीक है द होल नंबर जीरो हैज नो प्रोड्यूसर जीरो जो होल नंबर है इसका कोई प्रोड्यूसर नहीं है तो जीरो अपने आप में एक होल नंबर है होल नंबर जीरो से चालू होते हैं आगे राइट right में जाते लेफ्ट में नहीं जाते आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उनके लिए फिर हम होल नंबर वर्ड नहीं यूज करते जाते हैं लेकिन इस फैमिली होल नंबर को अभी हम जब समझ रहे हैं तो होल नंबर का कोई भी प्रीडिसर नहीं है द होल नंबर जीरो हैज नो प्रीडिसर स्टेटमेंट ट्रू है होल नंबर ठीक है हाँ जीरो का प्रोड्यूसर होता है बट वो फिर होल नंबर नहीं होता ठीक है वो क्या होता है वो आप सेवेंथ क्लास में पढ़ेंगे क्लियर है द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर कोई भी दो डिजिट के नंबर का सक्सेसर मतलब एक आगे वाला इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर वो हमेशा एक दो डिजिट नंबर ही रहेगा ठीक है देख लेते हैं देखना नाइनटी नाइन एक नंबर ले रहा हूं जो कि दो डिजिट का नंबर है इसका सक्सेसर इसका सक्सेसर मतलब जैसे ही मैं प्लस वन करूंगा तो ये वैल्यू हंड्रेड हो जाएगी और इसमें आप देखेंगे तीन डिजिट आ रहे हैं इन्होंने क्या कहा है कि वो दो डिजिट का ही नंबर आएगा हमेशा नहीं थ्री डिजिट का भी आएगा तो ये स्टेटमेंट अगेन मैं कहूंगा फॉल्स है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर एट जो कि एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का लास्ट क्वेश्चन था वो आपको करना था सॉल्व जो आपने सॉल्व कर लिया अब ये सारी वीडियोस विदाउट एनी एडवरटाइजमेंट आप कैसे घर बैठे आसानी से वॉच कर सकते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप विजिट करिए मैग्नेट बीन्स की वेबसाइट पे सिंपल गूगल राजा के पास जाके टाइप करिए मैग्नेट बीन्स इस तरह का आपका पूरा एक इंटरफेस ओपन होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस दिखेंगी फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ टू द किंडर और आपको फिर कई तरह के एग्जाम्पलर एक्स्ट्रा लर्निंग सी बोर्ड एग्जाम्स और ये सब कुछ ऑप्शन मिलेंगे आप हैं क्लास सिक्सथ में क्लास सिक्सथ को क्लिक करिए आपको पढ़नी है थ्योरी तो क्लास सिक्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वो सारी टीचर्स जो क्लास सिक्स की साइंस मैथ सोशल स्टडीज़ और सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे आपको अगर मेरे द्वारा मैथ्स समझना है तो मेरे द्वारा जो थ्योरी यहाँ पे समझाई गई है मेरी फोटो के नीचे आप वॉच नाउ क्लिक करिए वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स पे जो कि प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में आपको यहां मिलेंगे आपको पहला चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स देखना है नोइंग अवर नंबर्स पे क्लिक करिए उसके नीचे आपको थ्योरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको यहाँ पे आ, मैं ऐसा कहूँगा एनसीईआरटी टी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे एग्जाम्पलर तक कंप्लीट मैं सॉल्व करवा चुका हूँ जो आपको यहाँ पे लिंक्स हर एक टॉपिक में अवेलेबल है ठीक है आप यहाँ से जो भी चीज़ वॉच करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करिए उस लिंक पे क्लिक करते ही आप घर बैठे मेरी वीडियो को इतनी आसानी से वॉच कर सकते हैं तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना वो भी हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन किसी तरह का कोई चार्ज सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको किसी को पे नहीं करनी है ठीक है ये पूरी इन्फॉर्मेशन को आप पास करिए अपने जूनियर्स मतलब जो बच्चे किंडर गार्डन से फिफ्थ क्लास तक अगर आपके घर में कोई अवेलेबल है उनके भी वीडियोस हमारे पास पूरे अवेलेबल है और इसी के साथ में अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में हैं आप उनको तक भी हमारी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि, कि किस तरीके से मैंगनेट बेस पे कंप्लीट तरीके से सारे सब्जेक्ट आसानी से अवेलेबल है तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप वेबसाइट के थ्रू हमें विजिट कर सकते हैं पूरे इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करते रहिए और वीडियो को एक लाइक like जरूर दीजिएगा इस वीडियो में मैंने कंप्लीट तरीके से आपको एन का होल नंबर्स का एक्सरसाइज टू तक सॉल्व करवाया इसका सेकेंड पार्ट देखना ना भूलें होल नंबर्स के सेकेंड पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 2.2 और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और अच्छे से आपको समझाया है तो यहाँ पर हम पार्ट टू में मिलते हैं तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बाय एंड टेक केयर